नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो गौतम बुद्ध नगर से है। यहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 किलो गांजा जब्त किया है और मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गांजे की अनुमानित कीमत 4 करोड़ आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक ओडिशा से गांजा लेकर दिल्ली NCR में सप्लाई करनी थी। आरोपी पेस्टिसाइड के नाम पर ट्रक बुक कर गांजा बीच में छिपा कर ले जा रहे थे। पुलिस अब आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 किलो गांजा पकड़ा है जिसकी कीमत बाजार की 4 करोड़ रुपए आकी जा रही है। हमारे साथ DCP हैं, सीधे बातचीत करते हैं। सर, ये गांजा कहां से लाया जा रहा था, कहां सप्लाई की जा रही थी, कितने लोग गिरफ्तार किए गए? देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के अंतर्गत हमारी CRT टीम और सेक्टर 58 की टीम द्वारा 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एक ट्रक और एक गाड़ी बरामद हुई है जो गाड़ी वार्निंग के रूप में चलती थी। ट्रक में अवैध रूप से करीब 8 क्विंटल गांजा और 60 लाख कीमत की पेस्टिसाइड करीब 2000 लीटर ये बरामद हुआ। बेसिकली इसकी बुकिंग की गई थी पेस्टिसाइड के नाम पर और वो पेस्टिसाइड की यहाँ सप्लाई होनी थी, उसी में बीच में ये अवैध रूप से नाजायज गांजा रखा हुआ था जिसको कि हमारी टीम के द्वारा पकड़ा गया। उधर बरेली में विजिलेंस ने दरोगा को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक दरोगा ने मुकदमे से नाम हटाने के नाम पर 5 लाख रुपये मांगे थे। पीड़ित ने दरोगा को किश्तों में रिश्वत देने की बात कही थी, जिसके बाद दरोगा EMI पर रिश्वत लेने को राजी हो गया। आरोपी दरोगा प्रेमनगर थाने क्षेत्र में तैनात है। आरोप के मुताबिक केला थाने में दर्ज एक मुकदमे में आरोपी महिला और एक व्यक्ति को निकालने के लिए प्रेमनगर थाने के दरोगा ने 5 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। उसने इतनी बड़ी रकम एक साथ देने में असमर्थता जताई और दरोगा से किश्तों में रकम लेने का अनुरोध किया। दरोगा जी मान गए और कहा कि ठीक है, आप 5 लाख रुपए किश्तों में दे दीजिए। इसके बाद उसने SP विजिलेंस को लिखित शिकायत की। विजिलेंस की टीम ने रिश्वत की पहली किश्त के तौर पर 50,000 रुपए लेते हुए दरोगा को गिरफ्तार कर लिया। बस्ती में सोशल साइट पर चैट करना एक लड़के को भारी पड़ गया। चैटिंग करने वाले युवक की जान पर बनाई। मंजीत विश्वकर्मा और शिवा गोस्वामी चैटिंग और रील बनाने वाले अमित को घर से बुलाकर बाग में ले गए। फिल्म स्टाइल में तमंचा कनपट्टी पर सटाकर चैटिंग करने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना लालगंज थाना क्षेत्र के कुबेरगंज की है। वायरल वीडियो को आधार बनाकर पुलिस अब मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। थाना लालगंज जनपद बस्ती क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तमंचा दिखा रहा है। इसमें तहरीर प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जो तमंचा है वो इलीगल दिख रहा है, इसमें इसको गिरफ्तार करके आर्म्स एक्ट के अंदर भी कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। खबर एक और मिली सर, जो बच्चा है उसको उठा लिया गया है, जो पीड़ित है उसको भी लोग लेके गए हैं, सुलह का दबाव बना रहे हैं। नहीं, सुलह वुलह उसमें नहीं होगी, उसमें वीडियो और एविडेंस है, इसमें कार्रवाई की जाएगी। कानपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर की बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 दोस्तों ने जमकर पार्टी की और उसके बाद बिल्डिंग के छत पर चले गए। इसी दौरान ही हादसा हुआ। जैसे तैसे उसके साथियों ने उसे निकाला, पुलिस को सूचना दी और उसे हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी इस पूरे मामले में जाँच की बात कह रहा है। पुलिस के आला अधिकारी भी पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच में जुट गए। 2 लड़के और एक लड़की जो है जो मेडिकल काम उसमें छत के ऊपर जो है बैठे और फिर जो है उससे सबसे डक के सहारे से सबसे नीचे आ गए, जिसमें जो है लड़की को जो है चोटा ही और साथ के दोनों लड़के और पुलिस को सूचना दे करके हैलेट अस्पताल ले गए। हैलेट अस्पताल में लड़की की जो है डेथ हो गई है, परिजनों को सूचना दे दी गई है। डेड बॉडी का जो है पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। GSVM मेडिकल कॉलेज के कैंपस में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें डॉक्टर की जान चली गई। दरअसल ये पूरा मामला मेडिकल कॉलेज के इस कैंपस में, जहाँ इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है, यहाँ के हॉस्टल में MBBS की छात्रा अपने मित्र के साथ, डॉक्टर मित्र के साथ यहाँ काफ़ी देर तक पहले कैंपस में घूमती रही और उसके बाद हॉस्टल की छत पर चढ़ी और उसके संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गई। इसकी सूचना जैसे ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन और पुलिस को लगी तो आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया गया। अब पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को सूचना दे दी गई है। डॉक्टर
बरेली की बताई जा रही है और ऐसे में इस हॉस्टल में सन्नाटा पसरा है, कोई भी कुछ भी कहने से बचता जाना जा रहा है और ऐसे में पुलिस के अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं। अब जब जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या, क्या ये हादसा था या हत्या। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। सहारनपुर में एक्टर कमाल राशिद खान पर केस दर्ज किया गया है। केआरके पर देवबंद कोतवाली में केस दर्ज किया गया। मायावती पर टिप्पणी को लेकर एक स्थानीय बीएसपी नेता ने इसको लेकर थाने में केस दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक केआरके ने 5 जून को बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे उनके समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई। पार्टी संगठन के कुछ व्यक्तियों द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि एक कमाल राशिद खान नामक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर बीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। इस तहरीर के आधार पर थाना देवबंद पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो है विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर नेशनल हाईवे 91 लोहारली टोल प्लाजा पर पुलिसकर्मी की मनमानी के मामले में सीपी लक्ष्मी सिंह का बयान आया है। उन्होंने बताया कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि बिना टोल जमा किए गाड़ियां निकाली गईं, मारपीट का भी आरोप लगा है। अब इस मामले में एसीपी दाद ताल करेंगे। ललितपुर में ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता की वजह से एक महिला यात्री का खोया हुआ बैग बरामद हो गया। महिला ई रिक्शा में अपना बैग भूल गई थी। बैग में कैश और सोने चांदी की ज्वेलरी समेत कई सामान थे। महिला पातालकोट गाड़ी से ललितपुर आई थी। महिला और उसके परिजनों ने यातायात प्रभारी से मामले की शिकायत की। यातायात प्रभारी ने टैक्सी यूनियन के लोगों के सहयोग से महिला का बैग बरामद कर लिया। बैग मिलने पर महिला और उसके परिजन खोया हुआ बैग पाकर खुश। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा विवादों में घिर गए हैं। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से मथुरा में संत समाज नाराज हैं। देश के दो बड़े संत आमने सामने आ गए हैं। राधा रानी पर कैसे छिड़ा हुआ है रण, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं वो लोग, राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। पर सहने का प्रसंग राधा।